मुख्य शब्द कीवर्ड्स, कक्ष, कोश, कक्षा, ऑर्बिटर, सेल, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु भार एटॉमिक वेट, समस्थानिक आइसोटोप, समभारिक आइसोबार, कैथोड कैथोड, एनोड एनोड, केनाल किरण केनाल रे, अपरमाणुक सब एटॉमिक, न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सापेक्षिक परमाणु भार रिलेटिव एटॉमिक वेट, द्रव्यमान संख्या मास नंबर, नाभिक न्यूक्लियस, गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। हमने सीखा परमाणु की प्रारंभिक संकल्पना में परमाणु को अविभाज्य माना जाता था। परमाणु के भार और आकार की व्याख्या करने वाले डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुणित अनुपात की बात करते हुए यह बताया कि परमाणु रासायनिक क्रिया के आरंभ में जितने होते हैं उतने ही अंत में भी होते हैं, अर्थात परमाणु नष्ट नहीं होते। जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु में धनावेश का बादल रहता है और ऋणावेशित कण इस बादल में यहाँ वहाँ धसे रहते हैं। परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा हुई। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर बहुत ही छोटा नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। बोर के अनुसार परमाणु में कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु की कक्षाओं को क्रमशः के एल एम एन इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर। परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में किसी तत्व के कितने स्वतंत्र समस्थानिक किस अनुपात प्रतिशत में पाए जाते हैं इस पर औसत परमाणु भार का निर्धारण निर्भर करता है।